नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप, वहीं प्रशासन की लापरवाही से बदहाल हुआ गांव। विकास के नाम पर बदहाली के आंसू बहा रहा है ये गांव। गांव की गलियों में भरा पानी, गंदगी का लगा अंबार। गांव की सफाई के नाम पर खाना पूर्ति चल रही है। एक हफ्ते से सफाई न होने की वजह से गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जी हाँ, जिम्मेदार अधिकारी बने मूक दर्शक। हर घर बिछी चारपाई, बढ़ते वायरल को लेकर संबंधित अधिकारी कर रहे हैं खाना पूर्ति। ब्लॉक टूंडला के गांव मोहम्मदाबाद का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर इस गांव में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और सफाई के नाम पर खाना पूर्ति चल रही है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। शिवनंदन जी, ये बताएं आपकी क्या समस्या है? सबसे समस्या यह रास्ता की गंद पानी भरा रहता सड़क पे हमेशा। किस गांव का मामला है? मोहम्मदाबाद टुंडा ब्लॉक में। तो क्या आप मतलब किसके क्षेत्र में काम नहीं कराया जा रहा है? ये प्रधानी के क्षेत्र में काम कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है जो ये पानी भरा जा रहा है, ये नहीं निकल पा रहा है, इसमें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे इसके दोनों तरफ नालियां बने और ये पानी अभी तो साफ रहे रोड। अभी जो इतनी गंदगी है, इस पर क्या कहना है, किस कारण वर्ष ये गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पर? देखो ये तो अब प्रधान जी बताएंगे।